तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है मैं वो बात जान सकता हूँ, ध्रुव ने बड़े ही आराम से उससे कहा। तुम कोशिश करके देख सकते हो। उस वक्त छलावा इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था कि उसने ध्रुव के शब्दों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने विक्की से कहा, विक्की तुम जुल्मी को ऊपर बुलाओ और उसके साथ रितु को ले जाओ और गाड़ी में लिटा दो, उसे अस्पताल भेजो, तब तक मैं यहाँ ध्रुव को संभालता हूँ। विक्की ने हाँ में सिर हिलाया और जुल्मी को कॉल करके उसे ऊपर बुला लिया। जुल्मी जैसे ही ऊपर आया उसने रितु की हालत देखी और घबरा कर बोला, ये सब क्या है, ये कैसे हुआ? विक्की ने कहा, अभी इस सब का टाइम नहीं है जुल्मी, तू जल्दी इसको उठाने में मेरी मदद कर, हम इसको नीचे लेकर चलते हैं। और सुन, तू रितु को लेकर कस्बे के अस्पताल जाएगा और उसका इलाज करवाएगा। जुल्मी बोला, क्यों तुम नहीं आओगे हमारे साथ? विक्की ने कहा, नहीं हमें उससे भी ज्यादा जरूरी काम है, तारा भी मुसीबत में है, हमें तारा को बचाना है। जुल्मी को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था लेकिन उस वक्त ज्यादा सवाल करना सही नहीं था, इसलिए उसने विक्की के साथ मिलकर रितु को संभालकर उठाया और दोनों नीचे की तरफ गए। तभी छलावा ध्रुव के नजदीक आकर बोला, एक बार फिर सोच लो ध्रुव। लेकिन ध्रुव शांति से बस छलावा की तरफ देखता रहा। छलावा ने अपने दोनों हाथ ध्रुव के कंधे पर रखे और उसकी आंखों में देखने लगा। कुछ ही सेकंड के बाद ध्रुव बोला, छलावा मेरे हाथ पैर खोल दे। छलावा ने तुरंत उसके हाथ पैर खोल दिए। इतने में विक्की वापस आ चुका था। उसने देखा कि छलावा ने ध्रुव को खोल दिया है तो वो बोला, ये तूने क्या किया, इसको क्यों खोला, वापस बांध इसको। ध्रुव बोला, छलावा विक्की को संभालो। छलावा बिना कुछ बोले आगे आया और उसने विक्की को पकड़ लिया। विक्की बोला, छलावा तू पागल हो गया है क्या, ये क्या कर रहा है, ध्रुव से तुझे अपनी बात मनवानी है, उसकी बात माननी नहीं है, छोड़ मुझे जल्दी से, ध्रुव चला जाएगा। ध्रुव बोला, ध्रुव चला नहीं जाएगा, ध्रुव चला गया है और अब तुम दोनों मेरे पीछे आने की गलती मत करना वरना। इतना कहकर ध्रुव तेजी से वहां से चला गया। ध्रुव के जाने के कुछ सेकंड बाद छलावा जैसे ही होश में आया उसने बोला, ध्रुव कहाँ है? विक्की ने कहा, तूने ही तो उसको यहाँ से निकाला, तूने ही उसके हाथ पैर खोले और वो भाग गया। मुझे एक बात बता, तूने मुझे क्यों पकड़ रखा था, तुझे तो ध्रुव को पकड़ना चाहिए था ना, तुझे कोई सदमा पहुंचा है क्या? छलावा ने कहा, लेकिन मैंने ऐसा कब किया? विक्की अपने सिर पर हाथ रखता हुआ बोला, हे भगवान, तू चला था ध्रुव के दिमाग में घुसने लेकिन ध्रुव ने तेरा ही दिमाग घुमा दिया। छलावा ने कहा, हे ईश्वर ये क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब मैं ध्रुव के वश में हो गया और मैंने उसे खोल दिया, मुझे माफ कर दो विक्की, मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आया। विक्की बोला, अच्छा छोड़ ये सब, रहने दे और चल अब जल्दी, हमें ध्रुव के पास जाना होगा। छलावा ने कहा, लेकिन कहाँ, वो कहाँ गया, इसके बारे में हम कैसे मालूम करेंगे, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे हम उसे, और अगर हमारे वहां तक पहुंचने से पहले कुछ हो गया तो? विक्की ने कहा, क्या करूं मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, ये ध्रुव ना कभी कभी बहुत जिद्दी हो जाता है, चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं करता, हमेशा अपनी मनमानी करता है, वो क्यों नहीं समझता कि अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा छोड़ो बाकी लोगों का क्या होगा, सुमेर सब कुछ तबाह करके रख देगा, बंजारन किसी को नहीं छोड़ेगी। छलावा बोला, एक मिनट, शायद मुझे पता है कि ध्रुव कहाँ गया है। विक्की ने कहा, तो जल्दी बताना कहाँ गया है वो, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। छलावा ने कहा, चल मेरे साथ। विक्की बोला, लेकिन कहाँ? छलावा बोला, वही जहाँ ध्रुव गया है और कहाँ। छलावा विक्की को लेकर नीचे आ गया था और इससे पहले कि वो गेट से बाहर निकलते, गेट पर ही दो लंबे चौड़े आदमियों ने उनका रास्ता रोक लिया। उन दोनों को देखते ही एक बार के लिए तो विक्की घबरा गया और बोला, ये दोनों कौन है? छलावा ने कहा, ये लोग, ये तो अभी। छलावा इतना बोला ही था कि उन दोनों आदमियों ने छलावा और विक्की को घर के अंदर धक्का दे दिया और दरवाजा बंद करने लगे, लेकिन छलावा ने दरवाजा पकड़ लिया और बोला, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो हमसे, सामने से हट जाओ। उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, एक तो अंधेरे में उनका चेहरा ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। विक्की धीरे से बोला, छलावा आवाज नीचे रखकर बात कर, उनकी हाइट देख, ऐसा लग रहा है जैसे मैं उनके सामने कोई छोटा सा बच्चा हूँ, अपनी गर्दन को उठाकर उनकी तरफ देखना पड़ रहा है, अगर एक हाथ भी मार दिया ना तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। इतना कहते हुए विक्की ने छलावा की तरफ देखा और फिर बोला, तेरा तो भी ठीक है, तू तो लगभग इन्हीं के हाइट का लग रहा है, लंबा चौड़ा, लेकिन मैं मुश्किल में आ जाऊंगा, थोड़ा सा नरमी से ही बात कर। फिर विक्की ने कहा, भाई साहब कौन है आप, लगता है आप लोग गलती से यहाँ आ गए हैं, ये हमारा घर है, आपको कहाँ जाना है बता दीजिए, हम आपको रास्ता बता देंगे। लेकिन उन दोनों ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि छलावा और विक्की को लगभग धक्का देते हुए घर के अंदर बरामदे तक ले आए थे, जहां विक्की किसी चीज से टकरा कर गिरते गिरते बचा। तभी उसकी नजर उन लोगों के चेहरे पर गई और विक्की चीख पड़ा। छलावा ने तुरंत उसे संभाला और बोला,
क्या हुआ, चीख क्यों रहे हो? विकी ने कांपते हाथ से अपनी उंगली को उन दोनों के चेहरे की तरफ पॉइंट किया। छलावा ने जब उनके चेहरे की तरफ देखा तो एक बार के लिए तो उसकी आंखें भी हैरानी से फटी की फटी रह गई, क्योंकि उन लोगों के होंठ सिले हुए थे जिसमें मोटे मोटे टांके लगे हुए साफ नजर आ रहे थे। वो बस अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से इन दोनों को घूर कर देख रहे थे। उन दोनों को देख कर विकी हकलाता हुआ बोला, ये क्या क्या है, मतलब कौन है आप? नहीं 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 बोल सकते तो कोई बात नहीं, लिखना तो आता होगा ना? कुछ सेकंड के बाद विकी फिर से बोला, नहीं आता, कोई बात नहीं, आप लोग यही आराम कीजिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। इतना कहकर विकी उन दोनों के बीच से निकलकर भागने लगा, लेकिन तभी उनमें से एक ने विकी को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। विकी को उनके हाथ में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि किसी राक्षस के हाथ में कोई नन्हा सा खरगोश हो। तभी एकदम से किसी की गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी, अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से हिलने की भी गलती मत करना वरना तुम्हारी हड्डियां तक किसी को नहीं मिलेंगी। ये सुनकर छलावा अपने मन में बोला, इन दोनों के होठ तो सिले हुए, तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, और इन दोनों के होठ इस तरह से सिले हुए क्यों है? ये कौन लोग है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं ये समझू कि हमें रोकने के लिए ये दोनों उसी बस्ती से आकर यहाँ पर खड़े हुए हैं तो भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उस बस्ती में कभी इस तरह के लोगों को देखा ही नहीं। वहाँ के लोग कभी कभी तो गांव में आते हैं, वहाँ के जितने लोगों को हमने देखा है वो तो हम जैसे ही दिखते हैं। उस दिन भी जब मैं ध्रुव के साथ जंगल में था और मैंने कुछ लोगों को देखा था तो वो लोग भी इंसानों की तरह ही सामान्य दिखने वाले लग रहे थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ अलग ही लग रहे हैं। तभी छलावा की नजर विकी पर गई। उसने देखा कि विकी की आंखें बंद सी हो रही थी, जैसे उसका पूरा दम घुट गया हो। छलावा बिजली की फुर्ती से आगे बढ़ा और उसका हाथ कस कर पकड़ते हुए बोला, छोड़ दो इसे। छलावा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि कुछ ही सेकंड में उसका हाथ विकी की गर्दन से अलग हो गया और छलावा ने दूसरे हाथ से विकी को संभाला और बोला, तुम ठीक हो विकी? विकी बोला, अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन कुछ सेकंड अगर और इसके हाथ में पड़ा रहता तो पता नहीं। अभी छलावा और विकी बात कर ही रहे थे कि वो दोनों आदमी तेजी से बाहर निकले और उन्होंने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। विकी घबरा कर बोला, ये क्या हुआ? छलावा ने कहा, अच्छा, इन्हें लग रहा है कि ये हमें घर के अंदर बंद कर रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ये सब हमें ध्रुव से दूर रखने के लिए किया जा रहा है। विकी ने कहा, तो अब? छलावा बोला, अरे बेवकूफ, ये तुम्हारा घर है और तुम्हें इतना पता नहीं कि तुम्हारे घर के पीछे एक दरवाजा है जो खेतों की तरफ खुलता है। चलो वहां से निकलते हैं, इस दरवाजे का चक्कर छोड़ो। अगर इन्हें लगता है कि हम घर में बंद हैं तो बंद ही सही, और वैसे भी मैं इन लोगों से उलझकर अपना समय और अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहता। विकी बोला, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, चल जल्दी चल। एक तरफ जहां छलावा और विकी उन दोनों हट्टे कट्टे लोगों की नजरों से बचकर पीछे के दरवाजे से निकल चुके थे, वही दूसरी तरफ ध्रुव उस कच्ची पक्की बस्ती के ठीक सामने खड़ा था। चारों तरफ फैले अंधेरे और दूर से आते सियारों की आवाज से वो जगह और भी ज्यादा मनहूस लग रही थी। ध्रुव ने गौर किया कि नीचे उस जगह की धरती बहुत ज्यादा गर्म थी। ध्रुव को अपने पैरों में इतनी तेज गर्माहट महसूस हो रही थी कि ऐसा लग रहा था वो एक पल भी वहां खड़ा नहीं हो पा रहा था। ध्रुव ने तुरंत जमीन पर लेटकर अपने कान जमीन से लगा दिए, जैसे वो नीचे हो रही हरकतों को समझने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन नीचे से सिवाय गर्माहट के उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। ध्रुव अभी नीचे लेटा ही हुआ था कि उसे अपने आसपास बहुत सारे कदमों की आहट महसूस हुई, जैसे कि सूखे पत्तों पर पड़ने से आवाज आ रही थी। ध्रुव बहुत सतर्क होकर उठकर खड़ा हो गया और बिना हिले सामने की तरफ देखता रहा, लेकिन उसका ध्यान चारों तरफ था। उसे धीरे धीरे अपने आसपास आते हुए लोग महसूस होने लगे, लेकिन ध्रुव कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो चाहता था कि वे लोग आराम से उसके नजदीक आए और खुद उसे वहां लेकर चले, जहां शायद अगर ध्रुव खुद से छुपते छुपते जाता तो दिक्कत आ सकती थी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि ध्रुव चाहता था। वे लोग जैसे ही ध्रुव के नजदीक आए उनमें से एक चीख कर बोला, पकड़ लो इसे और ले चलो। ध्रुव ने जानबूझकर चौंकने का नाटक किया और उसने उन सारे लोगों को देखकर बोला, कौन है आप लोग? आप लोग तो वही है ना जो उस दिन मुझे यहाँ मिले थे? देखिए, मैं अपना कोई सामान ढूंढने आया हूँ। उस दिन मेरा ब्रेसलेट यहाँ गिर गया था, वो बहुत कीमती है, आप लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए, उसे लेकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ध्रुव जानबूझकर उन्हें इरिटेट करने की कोशिश कर रहा था और वो लोग इरिटेट हो भी रहे थे। उनमें से एक तेजी से आगे आया और उसने ध्रुव के चेहरे पर एक मोटा सा कपड़ा रखकर उसे उसकी गर्दन के आसपास लपेटते हुए बोला, मूर्ख समझाए हमें, वैसे अच्छा ही हुआ कि तू खुद यहाँ आ गया, तेरा अंत करने के लिए तुझे वहां से यहाँ लाने में हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती।
इतना कहकर वो लगभग ध्रुव को घसीटता हुआ लेकर आगे बढ़ा।